श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व में आपने एक शब्द पढ़ा होगा और बड़ा सांकेतिक है। रामायण के भिन्न भिन्न प्रसंगों में आपको ये पढ़ने को मिलता है कि कभी हनुमान जी बहुत बड़े हो जाते हैं, कभी हनुमान जी अत्यंत छोटे हो जाते हैं, कभी हनुमान जी भारी हो जाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं, कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी कपि के रूप में आते हैं। ये क्या कोई बहुरूपियापन का तमाशा है क्या? और ये हनुमान जी ने के व्यक्तित्व में जो शब्द चुने गए हैं, कहीं कहीं एक सूत्र दिया गया, सांकेतिक प्रसंगों में आप देखेंगे, श्री हनुमान जी जब समुद्र पार करते हुए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो देवताओं ने सुरसा को भेजा कि तुम जाकर के हनुमान जी की परीक्षा लो, क्या वे लंका में जाकर के वहां से सफल होकर के लौट सकते हैं। सुरसा हनुमान जी के मार्ग में आकर के खड़ी हो जाती है और सुरसा हनुमान जी से ये कहती है कि मुझे भूख लगी हुई है और देवताओं ने मुझे भेजा है और मैंने तो सुना है कि तुम शरीर से ऊपर उठे हुए हो, तो तुम्हारे शरीर से यदि दूसरे की भूख मिट जाए तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं लेनी चाहिए और मैं तुम्हें खाना चाहती हूं और तुम अपने शरीर को मुझे दे दो कि मैं खा लूं, मैं अपनी भूख मिटाऊ। श्री हनुमान जी ने सुरसा से कहा, मुझे तुम्हारे मुंह में बैठने में आपत्ति नहीं, किंतु अभी नहीं, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कह सुधि प्रभु सुनावो, तब तू बदन पैठियो आई, सत्य कहो मुई जान दे माई। भगवान राम का संदेश में श्री किशोरी सीता जी को सुना दो, सीता जी का संदेश में श्री राम को सुना दो और उसके बाद मैं तुम्हारे मुंह में आकर के बैठ जाऊंगा। पर सुरसा कहती है कि ना, मैं तो तुम्हें अभी खाऊंगी। और फिर हनुमान जी सुरसा को चुनौती देते हैं कि तुम यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करती हो तो तुम में शक्ति हो तो तुम मुझे खाने की चेष्टा करो। पर सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह फैलाती है और हनुमान जी सुरसा के मुंह से बीले बन जाते हैं और यही सुरसा और हनुमान जी में होड़सी लगी हुई दिखाई देती और अंत में सुरसा ने स्वयोजन का मुंह फैलाया और तब एक नया कार्य हनुमान जी ने किया। वहां पर गोस्वामी जी ने कहा, सतयोजन ती आनंद कीना तो अति लघु रूप कमल सुत लीना। हनुमान जी ने लघु रूप नहीं लिया, लघु के साथ एक शब्द और जोड़ दिया गया, अति लघु। ये सुरसा कौन है? और हनुमान जी दूने होते होते जो अति लघु बन जाते हैं, इन दोनों में ही हनुमान जी के व्यक्तित्व की गरिमा और उनकी अतुलनीयता, उनके बल को तोड़ने के लिए ही सुरसा को भेजा गया। इस बंदर में कितना बल है, कितनी बुद्धिमत्ता, और हनुमान जी को की बुद्धिमत्ता को और हनुमान जी के बल को तोड़ने की चेष्टा करने वाली सुरसा परास्त क्यों हो जाती है? तो पहले सुरसा को पहचानने की चेष्टा करें। इतिहास की दृष्टि से सुरसा एक पात्र थी जो देवताओं के द्वारा भेजी गई थी, पर एक सुरसा हुआ है जो संसार में प्रत्येक साधक के सामने आती है और साधक की सबसे कड़ी परीक्षा जो है वो सुरसा ही लेती है। और इसका अर्थ क्या है कि जब भी आप जीवन में त्याग करेंगे तो त्याग करने के बाद सुरसा जरूर आवेगी। और ये सुरसा कौन सी है? बस इसके लिए कीर्ति की कामना या जो लोकेशणा है वही सुरसा। और इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग का त्याग करना बड़ा कठिन है, पर उसका त्याग करने वाले व्यक्ति भी मिलते हैं, पर मिलने के बाद भी
उनके मन में भी जो सोने का भी त्याग किए रहते हैं, उनके मन में भी कीर्ति को पाने की बड़ी इच्छा रहती है कि लोग मेरी ये कह करके प्रशंसा करें कि ये तो बड़े त्यागी। बड़ा संकट है। इसका अर्थ ये है कि स्वर्ण का लोभ छोड़ना सरल है, पर कीर्ति का लोभ जो है वो तो बहुत ही कठिन है, और ये कठिन से कठिन कर है, और अच्छे से अच्छे को जीवन में ये कीर्ति की कामना होती है। सुरन में दीन आया देवताओं ने भेजा, और इसके अभिप्राय की लोकेश्वरा जो आती है वो गुरुगुणों की प्रेरणा से नहीं आती है, वो तो देवताओं और सदगुणों की प्रेरणा से आती है। कि जब भी किसी में लोकेश्वरा आवेगी तो बढ़िया काम वो करेगा, इसलिए शास्त्र में कहा गया है। और हनुमान जी ने सुरसा को मारा भी नहीं, उसे परास्त तो किया पर हारा मारा नहीं। तो हनुमान जी से बंदरों ने पूछा कि सिंहिका को आपने मार दिया तो सुरसा को भी मार देते? हनुमान जी ने कहा कि न, सिंहिका को मारना आवश्यक है पर सुरसा को परास्त करना चाहिए पर मारना नहीं चाहिए। क्यों? हनुमान जी ने कहा सुरसा तो कीर्ति की कामना है, और कीर्ति की कामना को मिटाना ठीक नहीं है, क्योंकि कीर्ति की कामना होने से कम व्यक्ति को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा तो मिलती है। अगर ये कीर्ति की कामना न रहे तो अधिकांश व्यक्तियों में अच्छा काम करने की वृत्ति नहीं होगी, इसलिए कीर्ति की कामना को एक सीमा तक महत्व दिया जाना चाहिए। और उसका अभिप्राय यह है, पुत्र की कामना, अर्थ की कामना, पुत्र की कामना और कीर्ति की कामना, कीर्ति की कामना सारे कामनाओं में श्रेष्ठ है, और वो व्यक्ति को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है, यही उसके प्रेरक देवता। इसलिए उसने कह दिया। पर एक ध्यान रखिएगा, ये सुरसा आई पर देवताओं को भेजने, पर इसका एक परिचय है। क्या? सुरसा नाम अहिन की माता, ये सर्पों की माता है, और ये बहुत सुंदर सूत्र है, मुझे आशा है आप पूरी एकाग्रता से सुन रहे होंगे। कीर्ति की कामना जो है आती तो सदगुणों की प्रेरणा पर जन्म सर्पों को देती है, और उसका अर्थ क्या हुआ कि कीर्ति कामना आने से अच्छे काम तो होते हैं, पर फिर आपस में कीर्ति की कामना से इतनी बुराई भी आ जाती है, क्योंकि इतनी थोड़ी इच्छा आती है कि मेरी कीर्ति बढ़े। अब जब आप चेष्टा करेंगे कि बढ़िया काम करके आपको कीर्ति मिले, तो और लोग भी तो कीर्ति की कामना से बढ़िया काम करेंगे, और तब ये लगने लगता है कि सामने वाले की कीर्ति मिटे कैसे और मेरी कीर्ति बढ़े कैसे। ये बड़ा संकट, सामने वाले की कीर्ति को मिटाने की जो इच्छा उत्पन्न हो गई, यही सर्प है, और यही सुरसा का परिचय। जो सद्गुणों के प्रेरणा से आने के बाद भी ये जो सर्प है, दुर्गुणों के सर्प जो है, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र में वर्णन आता है कि कितनी बड़ी तीव्र ईर्ष्या लोकेश्वरा से उत्पन्न होती है, और व्यक्ति कभी कभी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस सीमा तक पहुंच जाता है, किस सीमा तक चला जाता है। ऐसी जब लोकेश्वरा सामने आ गई हनुमान जी के, तो भाई वो तो आवेगी, आप त्याग करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो निश्चित रूप से कीर्ति की कामना आकर के सामने खड़े होगी। और वो हनुमान जी से और एक कीर्ति की कामना वालों में कमजोरी होती है ना, प्रशंसा के बड़े भूखे होते। तो सुरसा ने भी यही किया, हनुमान जी से ये सीधे में कह दिया कि मैं तुम्हें खा लूंगी। हनुमान जी की प्रशंसा किया, अरे तुम तो बड़े त्यागी बड़े विरागी हो, तुम्हारा तो शरीर से कोई मोह नहीं है, और मैं खा लूं तो तुम्हें कोई आपत्ति थोड़ी होगी। उन्होंने कहा कि शरीर से ममता न होने का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति जो है शरीर को मिटा दे, नहीं नहीं, शरीर साधन है, शरीर का सदुपयोग किया जाना चाहिए, और मैंने जो शरीर स्वीकार किया है वो भगवान के कार्य को पूरा करने के लिए किया, और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, भक्ति और भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, दोनों के बीच में का जो संदेश है, मैं प्रभु का संदेश सीता जी को नहीं सुना देता हूं, सीता जी का संदेश प्रभु को नहीं सुना देता हूं, तब तक मैं उस प्रशंसा को सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं आऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना।
सोचा समझ गई बंदर तो बड़ा चतुर है और इसने कहा कि तुमने अच्छा निमंत्रण दिया, जब तुम ये काम पूरा कर लोगे तब तो मेरे मुंह में समाओगे ही नहीं, इसलिए अभी खाने का अवसर है। इसका अभिप्राय है कि जब भक्त ज्ञान की पूर्णता हो जाएगी तो लोकेश्वर क्या करेगी, इसलिए वो कहती है कि मैं तो अभी खाऊंगी और हनुमान जी कहते हैं तो मुझे खाओ। अब होड़ होती है और दो प्रकार की होड़ है, क्या सिरसा मुख कहलाती है और हनुमान जी अगर छोटे हुए सिरसा के मुंह से तो सिरसा के मुंह में समा जाएंगे। और होता बहुधा यही कि कीर्ति की कामना वाले होते हैं छोटे, कीर्ति की कामना होती है बड़ी और कीर्ति चाहने वाला व्यक्ति होता है छोटा। क्योंकि कीर्ति का अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति चाहता है कि हम जैसे हैं उससे अधिक बड़े माने जाएं, यही कीर्ति का अर्थ है, व्यक्ति यही चाहता है। तो ऐसी स्थिति में उसने जब मुंह फैलाया तो हनुमान जी दूने हो गए और दूने हो गए इसका अर्थ तब कोई हजार रुपये जिसके पास है उससे लखपति कर दीजिए तो प्रसन्न हो जाएगा कि चलो मेरी बड़ी प्रशंसा हुई, पर किसी करोड़पति से आप कह दीजिए कि तुम तो लखपति हो तो सिर पीट ले जाती है प्रशंसा मेरी हो रही कि निंदा हो रही। तो हनुमान जी बड़े दिखाई दिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो कीर्ति की कामना जितनी बड़ी है हनुमान जी कहीं उससे बड़े हैं, हनुमान जी के बड़प्पन के सामने वो सुरसा का मुंह छोटा और लगी हुई। पर सूत्र बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े बनने में भी सुरसा हनुमान जी को परास्त नहीं कर सकती।